तो मैं आज आप लोगों को जावा पैटर्न प्रोग्राम बताने वाला हूँ कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम पैटर्न प्रोग्राम कैसे बनाते हैं फॉर लूप का यूज करके। तो चलिए सबसे पहले मैं नोट पैड ओपन कर ले रहा हूँ। हमने नोट पैड ओपन किया, नोट पैड अगर आप कोई एडिटर यूज कर रहे हैं तो आप एडिटर का यूज कर सकते हैं, जैसे जे क्रिएटर है, नेटबीन्स है, इक्लिप्स वगैरह है। तो अभी बेसिक प्रोग्राम्स है, इसलिए मैं एडिटर का यूज ना करके नोटपैड का यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है, तो मैं इसको बड़ा करता हूँ और मैं इसमें अपने प्रोग्राम को लिखूँगा और प्रोग्राम को लिखने के बाद मैं इसको सेव करूँगा। तो आइए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाते हैं, क्लास हम इसका नाम देते हैं पैटर्न1 और हमने क्लास को ओपन किया। ये हमारी क्लास ओपन हो चुकी है। अगर आप लोग, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को जो है बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ से 24 कर दे रहा हूँ। ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, मेन मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास किया, मैं एरे का सिंबल दिया, मैंने इसको बंद किया। अब मैं मेन मेथड को ओपन करता हूँ। यहाँ से मेन मेथड ओपन किया, अब यहाँ पे मैं दो जो है वेरिएबल बनाता हूँ, एक कॉलम के लिए और दूसरा रो के लिए। ठीक है, एक रो के लिए, दूसरा हम कॉलम के लिए। अभी हमको स्टार पैटर्न प्रिंट करवाना है, तो अभी हम कोई एक नंबर लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 5, तो क्या क्या प्रिंट हमारा होना चाहिए, यन इक्वल 5 और फिर रो इक्वल 5 और कॉलम इक्वल। ठीक है, मतलब अगर हमारे रो 5 होगी तो कॉलम भी 5 होनी चाहिए। तो मैंने लिया इंटीजर आई, यहाँ पे एन भी ले सकते हैं, एन इक्वल आपने 5 दे दिया और आपने फिर एक इंटीजर ले लिया आई और जे, मतलब एक रो और दूसरा कॉलम। अब यहाँ से फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले, सबसे पहले रो चलेंगे, रो को लेके हमने पहले वैल्यू दे दिया 1, फिर एन, मतलब एन की वैल्यू 5 है तो 1 से स्टार्ट हो और 5 तक जाए। ठीक है, मतलब हमारा पहला रो स्टार्ट हो, फिर दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, 5 तक जाए, मतलब 1-1 का इंक्रीमेंट हो इसमें। ठीक है, और हमने इसको बंद कर दिया। फिर हमने फॉर लूप को ओपन किया और यहाँ पे फिर एक फॉर लूप लगाया मैंने। अब यहाँ पे हमें डिक्लेयर करेंगे, अगर हमारी आई इक्वल 1, मतलब हमारा एक बार फॉर लूप चला तो उसकी जब कंडीशन यहाँ पे प्रिंट होने के लिए यहाँ पे आएगा हमारा कंपाइलर, तो उसको फिर एक फॉर लूप लगे मिलेगा, मतलब जब हमारी पहली रो का वैल्यू प्रिंट होगी तो वहाँ पे फिर जे इक्वल 1 पहला कॉलम प्रिंट होगा, फिर एन, ठीक है, और फिर जे प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे, यहाँ पे हमने फॉर लूप को ओपन किया और क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारी रो की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे ये हमारा 5 बार लूप चलेगा। यहाँ पे 1 हुआ, फिर आया देखा, फिर एक फॉर लूप चला, फिर जे इक्वल 1, तो यहाँ पे जो हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट होगा, फिर वापस जाएगा, तो फिर यहाँ से फॉर लूप, जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। जब एन इक्वल 6 आएगा तो फॉल्स हो जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगा तो आई इक्वल 2 आएगा, तो फिर दूसरा रो प्रिंट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हम यहाँ पे एलन का यूज नहीं करेंगे, प्रिंट करेंगे और तो इसको हम यहाँ पे स्टार प्रिंट करवा रहे हैं, हमने स्टार दिया। ठीक है, अब इसको आइए प्रिंट करवा, हमने कंट्रोल एस से इसको सेव किया। अब इसको हम सेव करते हैं, जो हमारा क्लास नेम है पैटर्न1, पैटर्न1 डॉट, चलो 1 से भी हमारा सेव है तो हम क्लास नेम चेंज करते हैं, पैटर्न 1-1 हमने कर दिया डॉट जावा। ठीक है,
हमने इसको सेव किया और यहाँ पे भी क्लास नेम हमने पैटर्न वन वन कर दिया। चलो कंट्रोल एस से सेव किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे सी एम डी, इंटर किया। अब हमारा पाथ ऑलरेडी मैं सेट कर चुका हूँ, तो अगर आप लोगों का पाथ सेट नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पाथ सेट करने पे भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना पहले लोकेशन चेंज करेंगे। हमने दिया हमारा किस में है, ई में है, लिया लिखा सी डी। अब हम अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे जावा ट्रेनिंग, और देखो हमारा कंपाइलर जो है जावा ट्रेनिंग में आ गया है कर्सर। अब यहाँ पे हम इस क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करवाएंगे। जावा सी हमारी कमांड है, पैटर्न 11.java अपने फाइल का नाम देंगे और हम इंटर करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, अगर कोई एरर होती तो यहाँ पे हमको एरर शो ही होती। ठीक है, अब इसको हम रन करवाएंगे, जावा पैटर्न 11। ठीक है, ये देखिए अभी हमारा पैटर्न प्रिंट तो हुआ है, बट इसकी कोई लाइन चेंज नहीं हुई। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार क्या होना चाहिए, हमारी लाइन चेंज होनी चाहिए। जैसे आई इक्वल वन मतलब पहली रो है, जब कॉलम प्रिंट हो तो 5 कॉलम हमारे प्रिंट हो, फिर हमारी लाइन चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही हमारा पहला फॉर लूप है, कॉलम वाला फॉर लूप बंद करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन चेंज करवा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, इसको हम ऐसे खाली छोड़ देंगे क्योंकि हमको सिर्फ लाइन चेंज करवानी है बस। अब इसको क्या करें, हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, हम इसको फिर से हम कंपाइल करवाते हैं। हमने कंपाइल करवाया, फिर से अब इसको हम रन करवाते हैं। हमने रन करवाया, ये देखिए आपका सक्सेसफुली ये प्रोग्राम रन हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपका प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, प्रोग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करके दे दूंगा।